हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग 700। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट किसको कहा जाता है। तो प्रॉफिट से मुराद या नेट प्रॉफिट से मुराद है इनकम का ज़्यादा होना एक्सपेंसेस से, एक्सीड कर जाना इनकम का, यानी कि इनकम ज़्यादा हो एक्सपेंसेस से इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। स्पेसिफिक टाइम पीरियड से मुराद एक महीना भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है। अगर हम एक महीने की बात करें तो एक महीने की इनकम एक महीने के एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो, और एक साल की बात करें तो एक साल की इनकम एक साल के एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो। अब इसका फार्मूला देखिए, आपको फार्मूले से और अच्छा समझ में आएगा। नेट प्रॉफिट का फार्मूला है इनकम माइनस एक्सपेंसेस, यानी कि तमाम के तमाम जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको निकाल दें इनकम में से, तो वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। अब ये इनकम और एक्सपेंसेस क्या है, इनकी डिटेल देखने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं, उनका नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, इनकम से मुराद जो भी सामान बेचा है उस पे कस्ट जो भी चार्ज किए कंपनी ने जितने में भी सामान बेचा है वो कंपनी की इनकम है, जितने की सेल हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख का सामान बेच दिया कंपनी ने। और एक्सपेंसेस से मुराद तमाम अखराजात जो खर्चे करने हैं कंपनी ने, उसमें कई सारे अखराजात हो सकते हैं, वो सारे अखराजात शामिल होते हैं। तो उन सारे अखराजात को निकालना है जितने में सामान बेचा उसमें से, तो फिर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये था आपके सामने प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने वैल्यूएबल सजेशन दीजिए। इस वीडियो में मिस्टेक लगती है उसको भी हाईलाइट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इस जैसी वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।